नमस्कार जैन, कैसे आप लोग गाइस? आशा करती हूँ आप लोग चंगे मजे में होंगे। स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। लेकर आई वर्ल्ड कप मैच नंबर 11 USA वर्सेस पाकिस्तान का, जो कि दो साल के बाद एक फिर से T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है। इस 9th एडिशन में टोटल 20 टीम्स खेल रही है। तो चलिए बात करते हैं टूर्नामेंट के 11th मैच की, जो कि मेजबान USA और पाकिस्तान के बीच होगा, जो कि 9 जून को खेला जाएगा। इस मैच में डलास एंड ग्रैंड पेरियर स्टेडियम में खेला जाएगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो टेक्सास में मौसम का अनुमान है कि मैच के दिन दौरान हल्की सी बारिश हो सकती है। रेन चांसेस 68% है और ह्यूमिडिटी 75% रहेगी। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहेगी। रिपोर्ट की बात करें तो विनिंग परसेंटेज का प्रेडिक्शन कहता है कि फर्स्ट बैटिंग अवरिंग परसेंटेज है 100%। जी हाँ दोस्तों, 100% है फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंट, फर्स्ट बैटिंग का और फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 0। तो एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 194 और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 197। यूएसए शॉर्ट एनालिसिस की बात करें तो नोमान मोनांग पटेल भी टीम ने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में कनाडो को आसानी से हरा दिया था और टीम वर्ल्ड कप में पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलेंगी। और टीम ने हाल के ही महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया था, घरेलू सीरीज में कनाडा और बांग्लादेश को हराया था। उसका और कॉन्फिडेंस को बनाए रखना चाहेंगे वो। और ओपनिंग बैटर में स्टीवन और टेलर और रोमांक और मोनांक पटेल भी अपने गेम में फ्लॉप थे, और लेकिन टीम का मिडिल ऑर्डर पर मजबूत है और उसे एंड्रिज और गॉस ने 65 और ऑरन जॉन्स ने 94 रन की इनिंग खेली थी। और लोअर ऑर्डर में कोरी एंडरसन और हरमीत सिंह को और नीतीश कुमार से हीटर हैं, और यहाँ पे यह जोड़ी लोअर ऑर्डर में दमदार प्रदर्शन करती है। हाल के मैच में बॉलिंग अटैक ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान की मजबूत बैटिंग लाइनअप को दबाव लाने के लिए उन्होंने सौरभ नेत्रोलकर को अली खान से शुरुआती विकेट की जरूरत है, और स्टीवन टेलर और जेसी सिंह मिडिल ओवरों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और पार्ट टाइमर्स की बात करें तो शेडली वैन साल्किविक और हरमीत सिंह और एडरसन से भी अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद होगी। और यूएसए प्लेयर की बात करें तो मयंक पटेल, स्टीवन और टेलर, एंड्रिस गॉस, आरोन जॉन्स, नीतीश कुमार, गौरी एंडरसन, हरमीत सिंह, अली खान, जेसी सिंह और नोस्थुस कैंगिज और सौरभ नटरावलकर। तो गाइस अब बात करते हैं पाकिस्तान शॉर्ट एनालिसिस की। तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में एक मजबूत दावेदार है। सैम अयूब और बाबर आजम ओपनिंग होस्ट में कर सकते हैं, और मिडिल ऑर्डर में उस्मान खान एंड फकर जामुन को मौका मिला था। विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान एंड टीम के एक्स फैक्टर है फिनिशिंग में सादाब खान और इफ्तिकार अहमद की ऑलराउंडर जोड़ी है। इमाद वॉशिंग को भी चांस मिल सकता है और बॉलिंग यूनिट भी टीम सिक्स ऑप्शन के साथ उतर सकती है। और शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अमीर और नसीम साद की पेस तिगरी टीम को ब्रेक थ्रू दिला सकती है। और स्पिन बॉलिंग में सादाब खान और इमाद वसीम भी विकेट दिलाकर निकाल सकते हैं। पाकिस्तान प्लेयर की बात करें तो सैफ अयूब, बाबर आजम, फकर जामन, उस्मान खान है, इफ्तिकार अहमद है, सदाब खान है, इमाद वाशिम, सईन अफरीदी और नसीम शाह और मोहम्मद अमीर और अबरार अहमद। की प्लेयर्स की बात करें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहीन अफरीदी। ड्रीम प्रीमियर फैंटेसी टीम की बात करें तो विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान जो कि विकेट कीपर है, और बैटर्स में है मोहम्मद पटेल, एंड्रिस गॉस, एरन जॉनिस, बाबर आजम। बॉलर्स में है शाहीन अफरीदी, मोहम्मद अमीर और नसीम शाह, और रन में है कॉरिन एंडरसन, सादाब खान और स्टीवन टेलर। बात करें प्रेडिक्शन की गाइस, तो दोनों पहली बार क्रिकेट मैच में अपने आमने सामने होंगी। यूएसए ने हाल फिलहाल में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। तो अगर दोनों की टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही टीम्स की स्क्वाड स्ट्रेंथ को देखते हुए पाकिस्तान थोड़ा आगे है, और लेकिन यूएसए की टीम भी वीक नहीं है और टीम किसी को भी हरा सकती है। कंडीशन को देखते हुए मैच का विनर पाकिस्तान हो सकता है। तो गाइस ऐसा करती हूँ, आप लोगों को प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े नए खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको मिल जाएंगे क्रिकेट से जुड़ी मैच एनालिसिस, मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़।